परेशानी बहुत हो रही है। क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? यार सरकार से चाहते हैं या तो रेट कम करे या हमारा किराया बढ़ाए। अच्छा, तो अभी रेट बढ़ रहा है लेकिन किराया उतने का उतना ही आपका? किराया उतना का उतना ही चल रहा है। अच्छा, तो कितना आप चाहते हैं कि कितना कम से कम इसको होना चाहिए? कम से कम जी 42 रुपए गैस थी, 76 रुपए पहुंच गई है, यानी 30-32 रुपए डबल हो गई है। कम से कम 10 रुपए 15 रुपए कुछ तो कम करें। अगर सर इसी तरह से सीएनजी के दाम बढ़ते रहे तो क्या ऑप्शन बचता है? ऑप्शन क्या बचेगा जी, अब क्या करें, क्या कर सकते हैं, तो सरकार का ही काम है बढ़ाना या घटाना, सरकार ही घटा सकती है। अच्छा, हम लोग क्या कर सकते हैं सर? हाल ही में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं लेकिन सीएनजी के बढ़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हड़ताल करेंगे जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ साक्षी दुबे। आज हम एक पेट्रोल पंप पर हैं क्योंकि हाल ही में दिल्ली सरकार ने सीएनजी पर दाम बढ़ा दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल पर कुछ हद तक कम भी हुए हैं। जिस तरह से आम जनता महंगाई के समंदर में डूबती जा रही है और ये महंगाई सर चढ़ कर बोल रही है, ऐसे में सीएनजी के दाम बढ़ना ऑटो वालों के लिए और बाकी जिनके पास अपने खुद के व्हीकल्स हैं जो किराए पर चलाते हैं उनके लिए कितना कुछ डिफिकल्टी हो सकता है, कितना परेशानी भरा ये हो सकता है। हम लोगों से बात करेंगे जिनके पास सीएनजी की गाड़ियां हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कठिनाइयां उन्हें इस बारे में सहनी पड़ रही हैं। हेलो अंकल, कैसे हैं? ठीक है। आपकी गाड़ी है? अच्छा, पर्सनल यूज के लिए या फिर आप पर्सनल यूज के लिए? तो पेट्रोल डीजल के दाम कहीं हद तक कम हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, 9-10 रुपए कम हुए हैं, सीएनजी के 2 रुपए बढ़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सीएनजी के भी घटाने चाहिए लेकिन जितने अभी तक सीएनजी का अभी 75 रुपए समथिंग कुछ है, तो कितना घटाना चाहिए? इसमें भी 8-7 रुपए घटाना चाहिए। अच्छा, 7-8 रुपए घटाना चाहिए। अंकल क्या करते हैं आप? मैं तो रिटायर्ड पर्सन हूँ। तो इनकम सोर्स में से कितना आपका ट्रैवलिंग में चला जाता है? नहीं, बढ़ तो गया ही अकॉर्डिंगली सब जगह, और क्या, जो भी है, जो तो उसी परसेंटेज में बढ़ गया, बट सर्टन कमिटमेंट तो कट नहीं करता। इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है लाइफ में? वो तो पड़ता ही, हर जगह पड़ रहा है। अच्छा, नहीं, इनकम सोर्स आपका जो भी है जितना भी है उसमें से कितना आपका सिर्फ ट्रैवलिंग में चला जाता है? जो भी ट्रैवलिंग में है उसका परसेंटेज उसी हिसाब से बढ़ गया है। आजकल कन्वेंस का मोड ऑफ कन्वेंस तो यही है लोगों का, ज़्यादातर पर्सनल व्हीकल है, इधर उधर जाना, फैमिली के साथ जाना चाहिए। ये सर एक तरफ महंगाई बाकी चीज़ों पर और एक तरफ फ्यूल पर, वो तो फ्यूल से कनेक्टेड है ना सब कुछ। अच्छा, सब कुछ फ्यूल से कनेक्टेड है। चलिए, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? बस सरकार थोड़ा घटाए इसको, बढ़ाने की बजाय कंट्रोल करे। चलिए, थैंक यू। तो सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। क्या करते हैं? कैब चलाते हैं। अच्छा, ओला या उबर? दोनों, ओला उबर। अच्छा सर, जितना कंपनी आपको पे करती है और जितने का आप सीएनजी भरवाते हो, कितना डिफरेंस पिछले 1-1.5 साल में आया है? 30-35 रुपए का। 30-35 रुपए का आपकी ज़िंदगी में कितना डिफरेंस आया है? 30-35 रुपए का यार, पहले 30-35 रुपए की थी, अब 50-75 की है। अच्छा, 75 की है अब। अच्छा, ये बताइए कि आप ओला चलाते हैं, जितनी भी सैलरी आप जनरेट करते हैं उसमें से आपका बहुत हद तक अमाउंट सीएनजी में चला जाता होगा, आपको जितना बचता है उसमें घर का गुजर बसर हो पाता है? नहीं हो पाता है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे फिर? सीएनजी कम हो जाए और क्या कहेंगे। अच्छा, अगर सीएनजी के दाम कम नहीं हुए तो क्या लगता है आपको, फिर से केजरीवाल आना चाहिए? केजरीवाल आएगा और कौन आएगा? हाल फिलहाल में पेट्रोल और डीजल के दाम काफ़ी हद तक कम हुए हैं, यानी कि 9-10 रुपए का फ़र्क आया है, लेकिन सीएनजी के दाम वहीं बढ़े हैं। यहाँ पर कुछ सीएनजी भरवा रहे हैं। हाँ जी अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है जी। अच्छा, सीएनजी भरवा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम कहीं हद तक कम हुए हैं और सीएनजी के बढ़े हैं? सीएनजी के तो रोज़ बढ़ रहे हैं जी, एक दिन छोड़ के एक दिन बढ़ा देते हैं, 2 रुपये ऐसे करके बढ़ा देते हैं। अच्छा, इससे परेशानी है आपको? परेशानी बहुत हो रही है। क्या चाहते हैं सरकार से? यार सरकार से चाहते हैं या तो रेट कम करे या हमारा किराया बढ़ाए। अच्छा, तो अभी रेट बढ़ रहा है लेकिन किराया उतने का उतना ही आपका? किराया उतना का उतना ही चल रहा है। अच्छा, तो कितना आप चाहते हैं कि कितना कम से कम इसको होना चाहिए? कम से कम जी 42 रुपए गैस थी, 76 रुपए पहुंच गई है, यानी 30-32 रुपए डबल हो गई है। कम से कम 10 रुपए 15 रुपए कुछ तो कम करें।
सर एक्साइज ड्यूटी भी तो लगती है, तो अगर सरकार की तरफ से भी देखें और आपकी तरफ से भी। मैडम जी सरकार की तरफ से क्या देखें, देखते देखते ₹2 बढ़ाते जा रहे हैं, या एक साथ ही बढ़ा देते ₹15-20, तसल्ली तो होती कम से कम बैठ जाते, ₹2, ₹1.5, ₹2, ₹2.25, ₹50 रोज 6 महीने से जो है ऐसे ही बढ़ाते जा रहे हैं। 32-33 गैस बढ़ा दी इन्होंने। अच्छा सर, वाला नहीं है सर, फ्यूल या ये जो CNG है इसकी वजह से और चीज़ों पे कोई फर्क पड़ रहा है? सारी चीज़ों पर फर्क पड़ रहा है भाई, पैसेंजर के ऊपर दबाव पड़ रहा है, हम लोग मीटर से चल के राजी नहीं है। चलिए इसी बीच कुछ और लोगों से बात करते हैं। हाँ जी सर, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, ये आपकी खुद की पर्सनल गाड़ी है या फिर आप इसे आने जाने के लिए या रेंट पे यूज करते हैं? नहीं, अपने पर्सनल गाड़ी है। पर्सनल गाड़ी है, मतलब किस काम आती है? स्कूल में काम, बच्चे ले जाते हैं। अच्छा। सर हाल ही में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं लेकिन CNG के बढ़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हड़ताल करेंगे जी। अच्छा, कितना फर्क जिंदगी पर पड़ रहा है इस वजह से CNG के दाम, क्योंकि बढ़ते ही जा रहे हैं? बढ़ रहा है जी, महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है और कुछ बचता ही नहीं हम लोगों को। अच्छा जी सर, आप तो स्कूल में चलाते हो तो स्कूल का प्रशासन या बच्चे आपको देते ही होंगे कुछ ना कुछ अमाउंट? कहाँ, स्कूल की छुट्टियों को तो देते ही नहीं है, 11 महीने के पैसे मिलते हैं, उसमें भी अभी तक लॉकडाउन ही था, हम लोग पहले से परेशान थे जी, अभी इसमें भी रेट बढ़ गए हैं तो दिक्कतें तो हैं ना जी। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, CNG के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के फिर भी थोड़े से कम किए गए हैं? मैडम सबसे बड़ी बात तो ये, हम टैक्सी चलाते हैं, टैक्सी वालों का समाधान होना चाहिए, ठीक है, ये रेट पे रेट बढ़ाए जा रहे हैं, कंपनी ना हमारे को पैसा दे रही है ना कुछ हो रहा है, हमारा तो ये होगा और थोड़े से पैसे अगर बढ़े तो धरना होएगा और कुछ नहीं होएगा। उसके बाद कुछ जो दाम बढ़ रहे हैं ना बेकार है, ये सोच रहे मोदी सरकार, हम तो कहते हैं मोदी सरकार अच्छी है जो रहेगी अच्छी, बट ये दाम बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं कुछ। तो आपको क्या लगता है ये केजरीवाल गवर्नमेंट के हाथ में? केजरीवाल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट दाम ना बढ़ाए तो सब कुछ सही है। सर कैसे हैं? फाइन। क्या काम करते हैं आप? ऑटो चलाते। कितने सालों से चला रहे? 50 ईयर। 50 सालों से? 50 सालों में कभी ऐसा हुआ आपको? अब कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि CNG के दाम बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी बढ़ रहे हैं। तो पिछले कुछ सालों में कोरोना के पहले की अगर बात की जाए तो इतनी दिक्कतों का सामना पहले कभी करना पड़ा? नहीं, मुश्किल पहले नहीं था। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार है, हम क्या कह सकते हैं। नमस्कार भैया, कैसे हैं? हाँ जी ठीक है। अच्छा, ऑटो चलाते हैं आप? हाँ जी। कितने सालों से चला रहे हैं? 10-12 साल से चला रहे हैं। 10-12 साल से। आज आपका जो प्रॉफिट आपको मिलता है, हाँ जी, और 3 साल पहले आपको जो प्रॉफिट मिलता था उसमें कितना फर्क है? बहुत फर्क है जी, ₹150 रोज की एक्स्ट्रा गैस डलवा रहे हैं। गैस पॉकेट से। अच्छा, हमारा काम तो वही है, कमाई वही है, लेकिन गैस का रेट बढ़ गया, हम लोग अपनी जेब से डलवा रहे हैं। अच्छा। अब 250 की गैस आती, पहले 150 की आती थी। आपका कहना है कि जो सवारियां बैठती हैं वो उतने ही पैसे देती हैं लेकिन हमें अपनी जेब से जितना हम कमा सकते थे उतना हमें नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा, उससे ज्यादा हम लोग गैस डलवा रहे, अपनी जेब से डलवा रहे हैं। अच्छा, अगर सर इसी तरह से CNG के दाम बढ़ते रहे तो क्या ऑप्शन बचता है? ऑप्शन क्या बचेगा जी, अब क्या करें, क्या कर सकते हैं, तो सरकार का ही काम है बढ़ाना या घटाना, सरकार ही घटा सकती है इसके तो। अच्छा, हम लोग क्या कर सकते हैं सर? वैसे पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं, 9-10 रुपए का फर्क आया है, CNG के 2 रुपए बढ़े हैं, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहने का मतलब ये कि CNG का कम होना चाहिए था क्योंकि सवारी गाड़ी है, लोडिंग गाड़ी CNG होती है, CNG का घटाना चाहिए था पेट्रोल के बजाय, डीजल तो चलो ठीक है घटाया तो, लेकिन CNG का जरूर घटाना चाहिए था। तो जिस तरह इनका कहना है कि CNG की जो गाड़ियां हैं वो आम तौर पर रोजी रोटी का बसर करने के लिए होती है क्योंकि ज़्यादातर जो लोग CNG की गाड़ियां यूज़ करते हैं या इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर या तो कैब ड्राइवर्स होते हैं या ओला उबर चलाने वाले होते हैं। तो जिस तरह से आम लोग यानी कि जिस तरह से मिडिल क्लास फैमिलीज पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ अफोर्ड कर सकती हैं, जो लोग CNG की गाड़ियाँ खरीदते हैं वो खरीदते ही इसलिए हैं क्योंकि CNG थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। और ऐसे में अगर CNG के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, तो ये सरकार से ज़्यादा आम जनता के लिए
लिए और जो लोग सीएनजी की गाड़ियां इसको इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ी वजह है, उनके सरदर्द की ये बहुत ही बड़ी वजह है। बढ़ती महंगाई की आफत जब सर चढ़ गई तो आखिरकार सरकार की नींद टूट गई। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल के दामों में जो इजाफा हो रहा था वो कुछ दिन पहले यानी कि 2-4 दिन पहले कम किया गया है, लेकिन वहीं सीएनजी के दामों में इजाफा किया गया है। हमने यहाँ पर पेट्रोल पंप पर लोगों से बातचीत की जो ओला उबर चलाते हैं या जो कैब ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, आज उनका पर्सनल व्हीकल है, जो पर्सनल यूज के लिए व्हीकल सीएनजी व्हीकल यूज करते हैं, उन्होंने किस तरह से हमें बताया कि सीएनजी, जिस तरह से सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों की आम जिंदगी पर क्या प्रभाव इससे पड़ रहा है, क्या इफेक्ट ये क्रिएट कर रहा है, ये बहुत बड़ी वजह और लोगों के लिए भी सरदर्द बन चुका है। अगर आपके भी इस विषय में कोई भी विचार है तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।